बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि YouTube पे काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। और ये सबसे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट हैं जिनके ज़रिए आपका YouTube चैनल लाखों में भी जा सकता है सब्सक्राइबर्स पे, और यानी कि बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है और बहुत जल्दी डाउन भी हो सकता है। तो वो क्या टिप्स हैं? तो सबसे पहले, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे मज़ीद ऐसे नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक हमारा है कि आपका कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका चैनल अगर ग्रो कर रहा है, ग्रो करते करते एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है, एकदम से डेड होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका डेड होते होते चैनल एकदम ग्रो भी हो जाता है। तो ये क्या चीज़ क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई बड़े सोर्स कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं सब इतना बताने जा रहा हूँ कि अगर वो बंदे प्रॉपर कंटिन्यूसली यानी कि वीडियोस लगाते जाएंगे, प्रॉपर काम करते जाएंगे, डेली की एक वीडियो जस्ट लगानी है जो मर्ज़ी हो जाए, बाकी भी आप लोगों के और बहुत सारे काम करके यानी कि जॉब वगैरह करते हैं वहाँ पे 10-12 घंटे काम करके भी आप लोग उतने पैसे नहीं कमा पाते जितना आप यूट्यूब से निकाल सकते हो। वहाँ पे अगर आप 10-12 घंटे डेली के लगा के यानी कि तकरीबन 20-25-30 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो अगर डेली का आप 1 घंटे से 2 घंटे जस्ट अपने घर में आके अपने वीडियोस पे टाइम दे दें, यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा टाइम दे दें, तो वही चैनल आपको तकरीबन 5-6 मंथ बाद या 1 साल बाद आपको हज़ारों में नहीं लाखों में भी लेके जा सकता है। वो कैसे? वो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं कि जो कि एकदम ये कि जैसे बंदा स्टार्ट करता है तो कुछ ही दिनों में कि वो वायरल होना शुरू हो जाते हैं, बहुत खुश होता है बंदा। अगर तो वो बंदा फिर भी कंटिन्यूसली वीडियो लगाता जाता है, फिर मज़ीद वायरल होता जाता है चैनल, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका चैनल वायरल होते होते एकदम से डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर आपकी वीडियो यानी कि वायरल हो रही है डेली बेसिस पे आपको 1000-2000 व्यूज़ यानी कि लास्ट 48 आवर्स में व्यूज़ आना शुरू हो जाएँ तो स्टार्टिंग में चैनल पर, तो ये भी काफ़ी होते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आपके व्यूज़ यानी कि कम अगर होना शुरू हो जाते हैं, अचानक से कम होना शुरू हो जाते हैं और आपका यानी कि दिल खट्टा हो जाता है और फिर उस पर आप काम करना थोड़ा छोड़ना चाहते हैं कि यार क्या चीज़ है, अचानक से मेरा चैनल वायरल होते होते भी अचानक से डाउन क्यों होना शुरू हो चुका है, तो वो बात यही है कि जब YouTube भी चेक करती है कि क्या आप प्रॉपरली काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपका यस के मेरा ये चैनल है जो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था बहुत ही अच्छे से, ठीक है, तो अच्छे से व्यूज़ आ रहे थे, तकरीबन पर डे के 2000 व्यूज़ तक चला गया था ये हमारा चैनल, ठीक है, फिर एकदम से हमारा चैनल एकदम डाउन होते 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 बहुत कम व्यूज़ पे तकरीबन 100 व्यूज़ पे आ चुका है। मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दिखाऊंगा साथ साथ, ठीक है, आपको इस तरफ और इस तरफ मेरे स्क्रीनशॉट भी नज़र आते होंगे कि पहले क्या था और अब क्या है मेरा चैनल, ये देख सकते हैं। वो हुआ क्या कि अचानक से चैनल जब ग्रो करता है, मैं प्रॉपरली डेली बेसिस पे एक वीडियो लगा रहा था, डेली लगा रहा चैनल मेरा दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, और डेली वीडियो लगाने के बावजूद भी अचानक से मेरा चैनल डाउन होना शुरू हो गया, फिर मेरा अपना दिल कटा हुआ लेकिन मैंने वीडियो लगाना थोड़ी छोड़ी। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि मेरे 100 व्यूज़ से कम नहीं हुए, इससे ऊपर ही रहे हैं, कम नहीं हुए, इतना शुक्र है। लेकिन मेरा भी यहाँ के दिल बहुत कटा हुआ कि यार छोड़ो ये नहीं चल रहा है, क्या सीन है, लेकिन मैं अब इस पर प्रॉपर काम करूँगा इंशाल्लाह। जो बंदे काम करना छोड़ देते हैं वो उनका कभी चैनल नहीं चलता, जो मर्ज़ी कर ले वो नहीं चलता चैनल कभी, लेकिन जब आपका चैनल डाउन होता है यानी कि आपके डेड होने की तरफ जा रहा है लेकिन आप तब भी काम नहीं छोड़ते, आप फिर भी डेली बेसिस पे अपनी वीडियो बना के लगाते जाते हैं, और फिर जब दोबारा से आपका चैनल वायरल होता है ना तो फिर कभी नीचे को नहीं आता, फिर वो वायरल ही होता है, ठीक है, और जब फिर वायरल होता है तो फिर आप उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट छोटी सी 2-3 बातें हैं जो कि आपको माइंड में बिठानी है, एक रूटीन, ठीक है, कि वीडियो अपलोडिंग करने का टाइम क्या होना चाहिए आपका, और दूसरी बात आपकी डेली रूटीन ना छोड़ें, जस्ट 1-5 मिनट यार वीडियो को दे दें, 5-10 मिनट कौन सा ज़्यादा टाइम है,
अगर आप कंप्यूटर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के देते हैं, अगर आप वो नहीं कर सकते तो किसी दिन वैसे ही कैमरे के आगे बैठ के आप लोगों को अपने किसी भी काम के बारे में नॉलेज बता दें कि ऐसा नहीं, इस तरह काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके कमा सकते हैं, कोई टिप्स अच्छी से अच्छे टिप्स दे दें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो पाए, वीडियो डेली की डेली आपकी लगती रहे। तो ये थी आज की हमारी टिप्स और ट्रिक्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और भाई लोग, अगर ये बंदे जो मेरी टिप्स के बगैर यानी कि दूसरी टिप्स पर चलते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूँ कि यार डेली बेसिस पर वीडियो लगाओ तो चैनल वायरल होता है, अगर लोग कहते हैं कि हम डेली नहीं लगाते, ठीक है, हम डेली वीडियो नहीं लगाते, हम हफ्ते में एक दो वीडियो लगा लेंगे, तो भाई लोग फिर वो यही समझ लें कि उनका चैनल वायरल नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात है अपने टाइटल टैग थंबनेल और डिस्क्रिप्शन वगैरह जितने अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो ज़्यादा बनाएं ताकि आपकी जो भी बंदा वीडियो देखे और फौरन उस पर क्लिक कर दे। तो आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई लोग हमारे फ्लेक्स AF यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।